हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दादा, आप रहे सिंपल नई चैनल। आपके हमारे सिंपल नई चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी, मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है या उसमें आपका FD है या फिर MIS जो है मंथली इनकम स्कीम होती है, MIS किया गया है या फिर आपका रेकरिंग किया गया है जिसमें उसमें भी आपका मंथली प्रीमियम होता है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से कुछ किया गया तो उसमें आपको 15H या 15G की फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ 15H और 15G का। 15H हो गया आपका, मान लीजिए किसी कोई भी सीनियर सिटीजन में आता है, मान लीजिए उसका एज 60 है या 60 अबव है फ्रेंड्स, तो वो आपका 15H का फॉर्म भरता है इनकम टैक्स के लिए। और वो आपका अप्रैल से लेके नवंबर तक, अप्रैल से अक्टूबर सितंबर या नवंबर के बीच में आपको सबमिट कर देना होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपका टैक्स बहुत ज़्यादा माफ़ होता है, वरना आपका टैक्स ज़्यादा काटा जाता है फ्रेंड्स। वो 15G और 15H के फॉर्म पर अप्लाई करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो 15H के फॉर्म अप्लाई करते हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स के नीचे होते हैं फ्रेंड्स, जो 60 के नीचे होते हैं, उसको 15G का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आप लोगों को बहुत ही इस वीडियो में काम आएगा फ्रेंड्स। वीडियो को नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, रिमूव फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से 15H की फॉर्म को भरिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से आपका भी काम आ सकता है बैंक में, अगर आपने नहीं डाला है तो 15H की फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए फ्रेंड्स। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप देखिए फ्रेंड्स किस तरह से मैं फॉर्म को भर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके सबसे पहले एक नंबर में आता है नेम ऑफ एसेट डिक्लेरेंट का, यहाँ पर नाम भरना है। मान लीजिए आपका FDA जो भी है आपका, उसमें आपका रेगरिंग है या फिर FDA किसी में भी, उसमें जो आपका डिक्लेरेंट का नाम रहेगा वो फर्स्ट में आपको यहाँ पर भर देना है फ्रेंड्स। आपको डिक्लेरेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद सेकेंड में आता है नंबर टू में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आता है परमानेंट अकाउंट नंबर मंथ और आधार नंबर, मींस आपका पेन नंबर डाल देना है या फिर आपका आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है फ्रेंड्स। जो डिक्लेरेंट का पेन नंबर है या फिर आधार नंबर है उसको यहाँ पर आप डाल देना है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डिक्लेरेंट का रहेगा उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है फ्रेंड्स। आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ रहेगा डॉक्यूमेंट्स पे वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपका है प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेंट इज बिंग, इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स आपका, मान लीजिए जैसे कि आप ये फॉर्म को देखिए यहाँ पर मैं समझा के रखा हूँ, जिस अप्रैल के 2020 से लेके मार्च के 2021, अप्रैल के 2020 और मार्च से 2021 के बीच में अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर 20 से 21 लिखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर तब आपको यहाँ पर 20 से 21 डाल देना है। मान लीजिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई मई के महीने में बना रहा हूँ, 2021 में बना रहा हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर अप्रैल 2021 के बीच मार्च 2022 के बीच में आ जा रहा है। मैं अभी मई के महीने में इसको वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच में आ गया, तो यहाँ पर मैं 2021 से लेके 2022 यहाँ पर भरूँगा, तो मैं यहाँ पर 2021 से 2022 डालूँगा फ्रेंड्स। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, इसको समझ के भरिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर फ्लैट नंबर, डोर, ब्लॉक नंबर, अगर आप डुप्लेक्स विला या फिर कोई सी भी फ्लैट व्लैट लग रहते हैं तो उसका यहाँ पर नंबर लिख दीजिए यहाँ पर ही। उसका नेम ऑफ प्रीमिसेस आपका विला है, डुप्लेक्स है, प्रीमिसेस मीन्स आप विला डुप्लेक्स फ्लैट किस में रहते हैं वहाँ पर यहाँ पर डाल दीजिए फ्रेंड। उसके बाद आपका स्ट्रीट यहाँ पर है, स्टेट यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आपका लोकेलिटी है। उसके बाद है आपका डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेट आता है, स्टेट यहाँ पर आप डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पर एरिया का पिन नंबर आता है फ्रेंड्स, आप अपना पिन नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपका ईमेल है तो ये कंपलसरी नहीं है, आप ईमेल डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी अपना खुद का डाल दीजिएगा ऊपर से ही। उसके बाद यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, यहाँ दोनों में से किसी एक का नंबर डाल दीजिएगा। हो तो आपका अगर टेलीफोन है तो टेलीफोन, या फिर आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका वेदर एसेस टू टैक्स, ये आपका टैक्स वेदर एक्सेस टू टैक्स स्लैब अगर है तो आप अगर इसमें यह है तो यस में
कीजिएगा टिक, या अगर नो है तो नो में कीजिएगा। अगर आप इसमें यस में से टिक करते हैं फ्रेंड्स, तो बी में जैसे आपका पूछा गया इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर ऑफ द विच असेस्ट, इसमें आपका टैक्स स्लैब का जो रिटर्निंग फाइल सबमिट का डेट होता है वो इस यहाँ पर आपका डालना होगा, रिटर्निंग फाइल सबमिटेड डेट डालना होगा। उसके बाद नंबर 15 में आ जाता है आपका, देखिए फ्रेंड्स नंबर 15 में आपका एस्टिमेट इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, मीन्स मान लीजिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कोई भी रेकरिंग या एफडी आपका 2 लाख का है मान लीजिए वहाँ पर, तो इस 2 लाख में आपका जो इनकम बनता है, जो आपका इंटरेस्ट मान लीजिए 6% 7% 7.5%, इससे ज़्यादा तो नहीं होती है फ्रेंड्स 6%, सीनियर सिटीजन की थोड़ी ज़्यादा होती है ध्यान दीजिएगा, सीनियर सिटीजन है आपका 6% से ज़्यादा होगा, सीनियर सिटीजन से अगर कम रहेगा, सीनियर सिटीजन से अगर कम मतलब 60 ईयर्स से नीचे रहेगा तो उनका कम रहता है इंटरेस्ट, तो उसका जितना परसेंट इंटरेस्ट आपका रहता है टोटल अमाउंट का, आपका जितना परसेंट टोटल अमाउंट जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उसमें जितना परसेंट इंटरेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको डाल लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द पी वाई इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 15 टू बी इंक्लूडेड, मीन्स आपका यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट जुड़ता है और प्लस आपका जो टोटल एफडी है फ्रेंड्स, टोटल एफडी और आपका जो टोटल मतलब मीन्स मान लीजिए मैं कोई भी एफडी एक साल का करवाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है कोई भी एफडी एक साल का करवाया हूँ, तो उसमें जो मेरा एफडी का अमाउंट है, उसमें जो मेरा एफडी का अमाउंट है 2 लाख, और उसमें प्लस इंटरेस्ट जो मेरा रहेगा फ्रेंड्स, प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके आपको इसमें डाल लेना है फ्रेंड्स। 16 नंबर पर आपको यहाँ पर 16 नंबर पे दोनों को ऐड करके डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पर 17 नंबर पे आ गया है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इफ एनी। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाइए टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, अगर आप कोई भी साल इसमें मान लीजिए आपका कोई भी और 15H इसमें भरे हैं, कोई भी ईयर में कोई भी 15H दूसरा भरे हैं, तो इस बार टोटल नंबर ऑफ 15H आप फिल कर दीजिए, और उसका जो एग्रीमेंट एग्रीगेट अमाउंट होता है इनकम होता है 15H जो भरे हैं उसका एग्रीगेट अमाउंट टोटल, मीन्स मान लीजिए आप जितना 15H का फॉर्म भरे उसका जो एग्रीगेट अमाउंट होगा फ्रेंड्स, वो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम यहाँ पर आपको डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाइए आपका डिटेल्स ऑफ इनकम, ये आपका मान लीजिए कोई भी 15H नहीं भरा है फ्रेंड्स, तो आप इसको 0 भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप 0 डाल सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है आपका डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन एज फील्ड, मीन्स आप यहाँ पर आ जाइए, इसके आपका पहला सीरियल नंबर 1 आपका यहाँ पर सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट या इन्वेस्टमेंट या अकाउंट नंबर, मतलब मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस ऐसे बहुत सारे होती है उसके थ्रू है, या फिर अकाउंट नंबर जैसे कि एफडी वगैरह है, तो आप एफडी वगैरह जो फिक्स डिपॉजिट है सब, तो उसमें जो अकाउंट नंबर उसका है, जो आपका अकाउंट नंबर ऊपर में दिया हुआ रहेगा उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर ही डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यार नेचर ऑफ इनकम, किस तरह का नेचर ऑफ इनकम आपका है, एफडी है रेकरिंग है, किस तरह का, अगर एफडी रेकरिंग है तो आप, अगर आपका एफडी है तो फिक्स डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, अगर रिकरिंग है तो आपको अगर रिकरिंग है आपका होगा तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, आपको यहाँ पर लिखना होगा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, मीन्स आपका हो गया कि किस सेक्शन में आपका आता है, मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपको एफडी रेकरिंग या फिर एमआईएस के तहत आप भर रहे हैं, तो इसमें आपका आएगा 194A के सेक्शन अबाउट आता है, इसमें 194A आपको वहां पर फिर डाल देना है 194A सेक्शन इसमें आता है, मान लीजिए आपका फिक्स डिपॉजिट एमआईएस या फिर आपका ये चीज़, अगर आप बैंक जाके भी पूछ सकते हैं आप अच्छे से, अगर उसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा आप, आपको अगर अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बैंक जाके पूछ लीजिएगा सर यहाँ पर यह किस सेक्शन में आता है, वो आपको बता देगा फ्रेंड्स। यहाँ पर सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल आप यहाँ पर 194A लीजिएगा, अगर आपका एमआईएस फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग के तहत है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ इनकम कितना होता है मंथली, मतलब
कितना परसेंट तक आपका इसमें इंटरेस्ट आता है, कितना परसेंट तक आपका इंटरेस्ट जुड़ता है, वो फिर यहाँ पर लिख देना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है आपका, जिसके नाम का जो डिक्लेरेंट रहेगा वो उसके नाम का यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, और यहाँ पर एक डेट डाल देना है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स फॉर्म को आप अच्छे से तरह समझ गए हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से भरना है, फिल करना है फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।